हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है कि Q3 के जो रिजल्ट्स हैं सितंबर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर वो आ चुके हैं, और अब ये तय करेगा क्वार्टर के जो इस क्वार्टर में जो शेयर्स के रिजल्ट्स आए हैं वो जो हैं शेयर्स के रिजल्ट जो हैं अगले 3 महीने में हम किन किन शेयरों के अंदर ट्रेड करके कमाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से शेयर बुरे। तो खैर नहीं देखेंगे, अच्छे शेयर ही देखेंगे, और इन ऑर्डर ऑफ माय प्रेफरेंस। फाइन, तो चलिए देख लेते हैं कि रिजल्ट्स का जरा एक्सरे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू एक्ट लाइक ए स्मार्ट मैन। फिर क्या जिन कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्या वो जो रिजल्ट्स वो कंपनियां रियली ट्रेड करने लायक हैं कि नहीं है, और फिर हम देखेंगे कि इंट्राडे और स्विंग जो है वो किन कंपनियों में किया जा सकता है, थोड़ी बाद में देखेंगे, और मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं उनको भी देखेंगे, FII एक्टिविटी है उसको भी देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर्स हैं जिनको हमने चुना है, उनके जो आज की तारीख में, आज मतलब 18 नवंबर को, उनके जो हैं बेस्ट बाइंग रेट्स क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आई विश के मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं जहां तक पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक्ट लाइक ए स्मार्ट ट्रेडर। अब जो है, क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं, हमको ये मालूम हो चुका है कि एज ए ट्रेडर हमको किन किन शेयरों के अंदर जो है पैसा हमको कमाना है या हम अगले 3 महीने में कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं कि स्मार्ट ट्रेडर का मतलब ये होता है कि आप जो है अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, शेयर मार्केट में जबरदस्ती मत घुसिए, नंबर 1। और दूसरी चीज यह है कि इंडिकेटर्स का सहारा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इंडिकेटर्स का सहारा लेंगे तो आपके बाइंग रेट और सेलिंग रेट्स जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। सो एक्ट लाइक ए स्मार्ट ट्रेडर एंड मेक द स्मार्ट मूव्स। और अगले 3 महीनों के लिए ये जो है मेरा वीडियो है, जब तक कि अगले इन कंपनीज के अगले रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तब तक आप जो है भरपूर शेयर मार्केट में मेक टन्स ऑफ मनी। फ्रेंड्स, आपको देखना चाहिए कि एनीवेयर बिटवीन 25-28% जो है आपको 3 महीने में जरूर पैसा मिलना चाहिए, इससे ज्यादा भी मिलना हो सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जो टन्स ऑफ मनी है ये एक स्मार्ट ट्रेडर जो है, ये जो स्मार्ट ट्रेडर है ये कैसे कमा सकता है। तो सबसे पहले तो जो हम IT सेक्टर देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स IT सेक्टर जो है ना, इसके अंदर जो इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं, टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स हैं, ये जो रिजल्ट्स हैं ना सॉरी, ये बड़े जबरदस्त आए थे, एंड दिस इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ माय प्रेफरेंस। ठीक है, और ये जो ब्लू शेयर्स हैं, इन शेयर्स में कुछ कुछ कहीं कहीं इश्यूज हैं। ठीक है, जैसे ये HCL टेक में भी एक नया नया थोड़ा सा इशू आया हुआ है, तो मतलब थोड़ा सा ये जो जहां पर ब्लू लाइन है, ब्लू मैंने दिखाया, वहां उन शेयरों को आप थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिए जब तक कि एक हार्ड कोर सिग्नल, बाइंग सिग्नल नहीं लग जाए। वैसे तो सिग्नल सभी में लगना चाहिए, इन्फोसिस में भी लगना चाहिए, टेक महिंद्रा में भी लगना चाहिए, और ये जो बाकी जो शेयर है इनमें भी लगना चाहिए। तो ये मेरी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है फ्रेंड्स इन IT सेक्टर। रिजल्ट्स इन्फोसिस, टेक महिंद्रा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए थे, और टाटा एलेक्सआई के रिजल्ट भी जो है बड़े सुपर आए थे। लेकिन जो टाटा एलेक्सआई है फ्रेंड्स, इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा हल्का भी चलता है साथ में। ठीक है, इतनी वॉलिटिलिटी इसके अंदर नहीं है। अगला सेक्टर, अगला फ्रेंड हम देख लेते हैं कि सेक्टर जो है ना, बैंकिंग जो सेक्टर है, और बैंकिंग सेक्टर में जो है ये HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक है। ठीक है, ये पांचों के पांचों बैंक की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलता हूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो HDFC बैंक की है, फिर कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक में भी एक माइल्ड इशू है, लेकिन फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा लग रहा है सबसाइड हो गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जो चैनल है उसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। यूट्यूब में जाइए, शेयर मार्केट SMS जो है उसको टाइप करिए, और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको टेक्निकल एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी। केमिकल सेक्टर में फ्रेंड्स, ये जितने भी शेयर्स हैं, ये बालाजी अमीन, नवीन फ्लोराइन, एकदम तोड़ फोड़, जिसको बोलते हैं ना तूफान नतीजे इनके आए थे। डेविस लैब, SRF और दीपक नाइट्राइट अगर 800 के आसपास मिल जाए तो बहुत बेहतरीन ये शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। जरा आगे देखेंगे मतलब कुछ शेयर्स के बारे में, लेकिन ये जो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, और बालाजी अमीन हर कीमत पे, बालाजी अमीन और नवीन आपको ट्रेडिंग के लिए
जबरदस्त वॉलेटिलिटी है एंड यू कैन अर्न टर्न ऑफ मनी इन दिस। अगला सेक्टर है फ्रेंड्स फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में मेरे जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो अजंता फार्मास्यूटिकल है और टोरेंट फार्मा है। अजंता फार्मास्यूटिकल तो फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कभी भी यूएस एफडीए का कोई इशू कभी रहता ही नहीं है और इसके रिजल्ट्स भी हमेशा अच्छे आ रहे हैं, पिछले दो साल से अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चार्ट भी दिखा दूंगा आगे कि अजंता फार्मा का जो चार्ट है वो कितना सुपर चार्ट है। ऐसे ही टोरेंट है, एकदम प्रोफेशनली वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी है और इसके भी जो आप पावर प्लांट ले लीजिए, इसका फार्मा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हर चीज इसकी इस ग्रुप की चलती है जैसे रिलायंस की चलती है। हाँ, अब ये बात रही फ्रेंड्स के सिप्ला, इपका, सनफार्मा और ग्रैन्यूल्स। तो ये सिप्ला, इपका और ये जो सनफार्मा है इनमें हमेशा जो है यूएस एफडीए के कहीं ना कहीं इश्यूज जो है ना ये लगे रहते हैं। तो आप जो है इनमें मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर है सिर्फ उसके ऊपर ही ट्रेड करिए, बीच में इसकी एंट्री आप मत लीजिए। लेकिन हाँ, इन तीनों के रिजल्ट जो है Q3 के अंदर बड़े जबरदस्त आए थे, अगले तीन महीने के लिए क्रॉस टू क्रॉस बहुत सेफ बेट है। और ग्रैन्यूल्स इंडिया को तब खरीदिए जब ये RSI 30 के आसपास आ जाए। FMCG सेक्टर फ्रेंड्स क्या कहना है, ये सेक्टर तो बस अब मैं क्या बोलूं आपको। मेरी जो प्रेफरेंस है इसके अंदर एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, PI इंडस्ट्रीज, पेडिलाइट इंडस्ट्रीज, नेस्ले, ब्रिटेनिया, कॉलगेट। ये नेस्ले, ब्रिटेनिया, कॉलगेट जो है जब ये RSI 30 के ऊपर आ जाए या आसपास आ जाए तभी इनकी खरीद बनती है। और इनको प्रेफरेबली जो नेक्स्ट जब रिजल्ट्स आएंगे जनवरी या फरवरी में जब इनके रिजल्ट्स आने चालू होंगे तो उससे पहले इनको खरीदे, बीच में ये तीन स्टॉक्स को ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये जो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, PI और पेडिलाइट जो है ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, इनमें बार 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 पैसा बनता है। तो ये जो है शेयर्स हैं आपको ये टन्स ऑफ मनी जो है ना ये कमा के देंगे, जरूर देंगे। और मेरी पहली प्रेफरेंस, हालांकि मैंने यहाँ पर एशियन पेंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस जो है ना वो PI इंडस्ट्री है, पेडिलाइट है, फिर बर्जर पेंट्स है और एशियन पेंट्स है, क्योंकि एशियन पेंट बहुत ज्यादा चल चुका है। इसके आगे देते हैं गैस सेक्टर के अंदर, गुजरात गैस और महानगर गैस दोनों के जो है रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे नंबर वन। लेकिन ये जो स्टॉक्स है ना इनकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है, तो जब इनके जो रिजल्ट्स जो हैं गैस सेक्टर के अंदर आने चालू हों या जब ये गुजरात गैस के रिजल्ट्स आने का टाइम हो जाए तो एक हफ्ता पहले खरीदिए, और महानगर गैस को भी एक ही हफ्ता पहले खरीदिए, क्योंकि इनमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है और ये जो ढीले हैं शेयर चलने में। हमको एज ए ट्रेडर, यू नो वी आर बेसिकली ट्रेडर्स इन द शेयर मार्केट, तो हमको ना ट्रेडिंग एंगल से ही देखना पड़ेगा, कोई तीन महीने रखना तो है नहीं इसको। तो ये जो है जब तक ये जो RSI 30 के आसपास ये दोनों के दोनों शेयर ना आ जाए तब तक इनके अंदर परचेज प्लीज ना करिए, क्योंकि इनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत कम है। बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व फ्रेंड्स, ये जो शेयर है ना, ये जो शेयर है अपने आप के अंदर एक शेयर कमाल है दोनों। इनके रिजल्ट्स अच्छे, इनके दोनों के बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे, लेकिन जो टेलीविजन के अंदर जो लोग थे, जो एंकर से, उनको इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, लेकिन मार्केट को फिर भी इनके जो रिजल्ट्स है वो बहुत जबरदस्त लगे। और इसलिए आप देख लीजिए कि ये जो शेयर हैं ये मतलब ये तूफानी रफ्तार से आज भी चल रहे हैं ये। तो अब आप जो है सवाल ये है कि इनको जो ट्रेड करने का तरीका क्या रह गया, ट्रेड करने का तरीका ये रह गया है कि इसके अंदर आप स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर लगाइए। मेरा एक ऑलरेडी वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसमें आपको जो है एंट्री पॉइंट बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा और उसके अंदर आपको एग्जिट पॉइंट भी मिलेगा, ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छे शेयर्स हैं। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इंग्लिश और हिंदी में फंडामेंटल एनालिसिस मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं फ्रेंड्स हमेशा बोलता हूं कि कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए जिसके अंदर मारुति सुजुकी जो है 6800 के लेवल पे खरीदा गया हो और 7200 इसका जो है सेलिंग पॉइंट है। और ऐसे ही जो रिलायंस है, ये जो दो स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, ये दो स्टॉक हर हालत जो है आपके पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और RIL का जो है 1900-1920 के करीब बाइंग प्राइस है और 2100 जो है सेलिंग प्राइस है। दोनों के दोनों मोर देन 100% ट्रेडिंग के अंदर एक साल में देते हैं, बहुत जबरदस्त वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं। यहां थोड़ी सी गलती हो गई है फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक्स हैं पॉलीकैब, IRCTC और MCX, पॉलीकैब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन ये RSI 30 स्टॉक ही है। जब इसका RSI 30 के आसपास आ जाए, देखिए बेसिकली स्ट्रांग स्टॉक्स हैं तो हो सकता है RSI 30 कभी लगे ही ना, लेकिन जब भी मार्केट ज्यादा गिरती है और उसके बाद जो पहली जो कैंडल अगर व्हाइट लगती है तो आप पॉलीकैब खरीद सकते हैं। और ये IRCTC के अंदर थोड़ी सी न्यूज ये है कि अपना OFS लाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं,
करीब 10 एक दिन पहले न्यूज आई थी, उसके बाद तो न्यूज नहीं आई है। तो इसको मेरे को लगता है फिलहाल आप अवॉइड करिए, थोड़ा टाइम वेट करिए। एमसीएक्स भी जो है बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, कोई इसके अंदर शक नहीं है, ये 2021 तक बड़े आराम से जा सकता है, लेकिन एक बार जो मार्केट है ना उस मार्केट को आप गिर जाने दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, ये जो सेक्टर है HDFC इंश्योरेंस सेक्टर है, बड़ा प्रॉमिसिंग सेक्टर है, लेकिन ये जो सेक्टर है ना ये ट्रेडिंग का सेक्टर नहीं है, ये जो सेक्टर है ये लाइफ, इसको मतलब या तो आप इसको इन्वेस्टमेंट उसमें रख दीजिए SBI लाइफ को सॉरी और HDFC लाइफ को और SBI लाइफ को, यू कैन कीप इट फॉर योर चिल्ड्रन, देर इज नो डाउट अबाउट इट, या जब भी ये जो है RSI 30 के आसपास आए तभी इन स्टॉक्स को खरीदिए, वरना ये ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं है। हालांकि दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। रियलिटी सेक्टर में के अंदर DLF जो है ना ये बहुत ज्यादा गिर चुका है, इसके अंदर मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्चुअली इज ओबराय एंड शोभा ओनली। तो फ्रेंड्स मैं यही बात बोलूंगा कि शोभा इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, ओबराय इज रियलिटी इज द सेकंड प्रेफरेंस एंड DLF थर्ड प्रेफरेंस, लेकिन ये नेसेसरीली RSI 30 पे आए तभी आप इनमें ट्रेड करिए, वरना आप स्टॉक्स के अंदर अननेसेसरीली ना फंस भी सकते हैं। अभी आगे चालू रहेगा फ्रेंड्स मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है, तो मेरे साथ रहिए। अब आगे देखते हैं कि FII एक्टिविटी क्या है और चीजें जो हैं हम पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आज जो मार्केट है ना वो बेतहाशा ऊपर बढ़े जा रही है, उसका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। वो ऊपर जाती जा रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो है ना मंथ की ना ये ये जो FII एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में अगर आप देखें तो कल भी यानी कि 17 नवंबर को भी 4,905 करोड़ रुपया कैश में आया है, बहुत जबरदस्त FII की परचेज है। तो फ्रेंड्स अगर फॉल भी होता है तो फॉल भी होगा, वो माइनर फॉल होगा, वो जब तक FII एक्टिविटी, जब तक FII का पैसा आता रहेगा तब तक जो है जो फॉल है वो, तब तक जो मार्केट है ना वो राइज करती रहेगी, और हल्का फुल्का जो है मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकता है। आप देख लीजिए कि 4000 करोड़, फिर 11 नवंबर को 6207 करोड़, 5000 जो FIIs है ना वो दबा के पैसा इंडिया के अंदर लगा रही हैं। तो अगर करेक्शन आई भी तो भी करेक्शन जो है ना बड़ी माइल्ड होगी, और वो करेक्शन कंप्लीट कब होगी फ्रेंड्स, वो करेक्शन कंप्लीट जब होगी जबकि एक पहली वाइट कैंडल छोटी या बड़ी गिरने के बाद कोई भी लगे। तो मैं अभी भी बता रहा हूं, जब अगर मार्केट में फॉल आता है पहली व्हाइट कैंडल जो है उसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं, अपना बाइंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं नंबर वन, और अगर बड़ी कैंडल लगी है तो भी आप जो है उसके अंदर बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि जो इतने इंपॉर्टेंट जो शेयर्स हैं उनकी जो है बाइंग प्राइसेस क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये मैंने यहां पर ये देखे लिया है, ये कौन सा शेयर मैंने लिया है, सबसे पहले मैंने इंफोसिस लिया है। फ्रेंड सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक साल का मैंने चार्ट लगाया है, एक साल के चार्ट में ये जो है ना एकदम अप ट्रेंड के अंदर है, और इसको मैं जरा यहां से निकाल देता हूं। चलिए इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। फ्रेंड इसका ये जो बाइंग प्राइस है ना, इसका बाइंग प्राइस अगर आप सही मानों में देखें तो इसका जो बाइंग प्राइस है वो आ रहा है करीब 1100 के आसपास, अराउंड 1100 के, एक सेकेंड जरा, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ अब देखिए अगर ये शेयर आपको 1107 और 1190 के बीच में मिल जाए, आइडियली 1100 के अगर 1100 के आसपास अगर ये शेयर मिल जाए तो आप इस शेयर को ना कन्वीनियंटली अप टू 1150 तक जो है ना खेल सकते हैं, और ये 3-4 बार जो है ना आपको मौका देगा, क्योंकि ये अभी भी जो ये जो शेयर है ना फ्रेंड्स ये जो शेयर है ये एक ना उसके अंदर ही घूम रहा है, क्या बोलते हैं, एक रेंज में ही घूम रहा है, इसलिए 1100 पे बाई करिए। 1130 पहला टारगेट और 1140 या 1150 दूसरा टारगेट हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए बालाजी अमीन्स हैं, बालाजी अमीन्स ने तो बिल्कुल एक साल के अंदर दुगना पैसा करके दिया हुआ है, और इसमें भी आपको अगर मैं बताऊं कि इसका जो बाइंग रेट है फ्रेंड्स, बाइंग रेट जो है इसका देखिए, यहां मैं जरा इसको अपडेट कर देता हूं क्लोजिंग प्राइस को, तो कर्सर आ जाएगा यहां पे। अगर ये शेयर आपको करीब 922 के बाद अगर ये 880-890 के आसपास अगर ये शेयर मिल जाए आपको कभी भी,
तो आप उसको खरीद लीजिए। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको जो है बीच में अगर आपको एंट्री लेनी है, तो आपको जो है ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की आप मदद से, जिसका मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप उसको उससे जरूर आप मदद ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो एक्चुअल बाइंग प्राइस है, देखिए एक बार यहां से गिरा, एक बार यहां से गिरा, एक बार यहां, तो यही इसकी सपोर्ट है और यही इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि 900 के आसपास आ रही है। अजंता फार्मा फ्रेंड्स देख लीजिए, ये भी अब ट्रेंड के अंदर है। और इसको तो मैं क्या बोलूं, इसका जो बेसिकली आप देख लीजिए 1540 जो है ना, ये कल ही लगा है, कल भी लगा था, ये बार बार 1540 लगता है, 1540 1550 के बीच में इसका बेस्ट बाइंग प्राइस है, आप इसको हमेशा ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये डालमिया भारत है, डालमिया भारत का जो ट्रेंड है देखिए, यहां पर इसने आज 600 से लेके मतलब कितने करीब 40-50% दे दिया। और आप देखिए कि दोनों मूविंग एवरेजेस एकदम तूफानी रफ्तार के अंदर हैं। और अगर ये शेयर अगर आपको जो है करीब 900 के आसपास, 935 940 के आसपास मिल जाए, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, अभी भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए इनका जो डायरेक्शन है कितना जबरदस्त है मूविंग एवरेजेस का ऊपर। फ्रेंड्स ग्लोबस, अगला मेरा जो स्टॉक है वो ग्लोबल स्प्रिट है, ये भी देखिए जो है बिल्कुल 130 से लेके आज 365 हो गया, पिछले 6 महीने के अंदर इसने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। और इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो भी, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि इसका जो बाइंग रेट है ना, इसका बाइंग रेट क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका बाइंग रेट है 315, 315 से 340 के बीच में आप इसको 330 के बीच में प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो इसकी यहाँ पर जो 330 की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन ये बात है कि ये जो है मतलब 300 में अगर आपको मिलता है, 300 से 330 तक आप इसको आराम से प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कोई भी जो ट्रेडिंग है वो बिना मारुति के नहीं हो सकती और बिना रिलायंस के नहीं हो सकती। तो मारुति देख लीजिए 6800 पे क्लियर कट इसकी बाइंग है और 7200 के आसपास इसकी सेलिंग है। और ये जो है हर महीने में मतलब आपको, आप देख लीजिए 2-3 बारी आपको जो है बाइंग सेलिंग दे देगा। और ये कमाने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, 1 साल के अंदर तो इसने मतलब लिटरली 100% से भी ज्यादा दे चुका है। वैसे ही फ्रेंड्स अगला स्टॉक जो है ना मेरा वो है रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री जियो में बड़ी जबरदस्त इसके अंदर चल रही है वर्किंग। और आप देख लीजिए कि ये जो है 1950 के आसपास बेसिकली, तो मैं बोलता हूँ कि अगर इसको आपको खरीदना है तो अगर ये करीब करीब ये आज का भी जो रेट है ये रेट बिल्कुल ठीक है, दैट इज 1980 बहुत अच्छा रेट है। और इसको जो है आप फाइनली फाइनली जो प्ले कर सकते हैं वो 2300 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, जो 2300 का टारगेट कभी भी आ सकता है। और ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत जबरदस्त स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड्स इसका फिर भी मैं बोलूँ, इसका जो पहला जो इसको इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो करीब 2100 के आसपास आएगी, अभी भी खरीद सकते हैं, आपको 5-7% कभी भी मिल सकते हैं, इस स्टॉक के बिना कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स मैंने मेरी तरफ से आपको ना बताने की कोशिश करी है कि ये जो हमारा जो रिजल्ट्स हैं इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, हमको स्मार्टली प्ले करना चाहिए, गलत स्टॉक्स में कभी घुसना नहीं चाहिए और थोड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। थिंक लाइक ए स्मार्ट मैन, थिंक ऑफ मनी इन द शेयर मार्केट। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप जो है मेरे को अपने कमेंट जरूर करिए। और जो ब, 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 आपके व्यू, आपको कौन सा वीडियो चाहिए इसके बारे में भी आप प्लीज मेरे को जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बी विद मी, लेट अस अर्न टन्स ऑफ मनी अप्रोक्सीमेटली 25% इन 3 वीक्स, इन 3 मंथ्स टाइम। थैंक यू।